आज हम न्यू टॉपिक अस्वर लेके आए हैं पार्ट वन। जैसे पार्ट वन अस्वर लेके आए हैं, एक से तीस तक का वर्ग निकालना हो तो जैसे एक से तीस तक का अस्वर हमेशा आप लोग याद रखिए। याद रखने से क्या होगा, जैसे आपको कैलकुलेशन करने से आप बच जाएगा। इसलिए एक का अस्वर एक होता है, दो का अस्वर चार होता है, तीन का अस्वर नौ, चार का अस्वर सोलह, पांच का अस्वर पच्चीस, छह का अस्वर छत्तीस, इसी तरह से डॉट 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 एक से लेकर थर्टी तक हमको याद रखना है। एक से लेकर थर्टी तक याद रखना, हमेशा इस तरह का अस्वर हमेशा याद रखिए। तो हम आज बेस इस तरह का हमेशा अस्वर याद रखिए। एक सौ को बेस मानकर स्क्वायर करना हो तो, यदि एक सौ को बेस मानकर स्क्वायर करना हो तो, यदि संख्या एक सौ के आसपास की संख्या हो, यानी कि संख्या एक सौ के आसपास की संख्या हो तो एक सौ से जितना कम या अधिक रहेगा, एक सौ से जितना कम या अधिक रहेगा उस संख्या को हमेशा नीचे लिखेंगे। जैसे मल्टीप्लाई में नीचे लिखते थे, ज्यादा रहता तो ज्यादा करते थे, कम रहता था तो कम करते थे। तो ठीक उसी तरह ये हिंट को यहाँ पे हमको स्क्वायर करना है। तो एक सौ से कितना कम है जी, एक सौ से कितना कम है, छह कम है। अब देखिए छह का स्क्वायर अभी हम बताए हैं, छह का स्क्वायर कितना होता है, छह का स्क्वायर छत्तीस होता है। रिजल्ट में हमेशा दो अंक लिखेंगे, क्यों, क्योंकि हंड्रेड में हमेशा दो जीरो होता है, इसलिए रिजल्ट में हमेशा दो अंक लिखेंगे। और दो अंक से अधिक रहेगा तो अगला स्टेप में एड करेंगे, और दो अंक से कम रहेगा तो लेफ्ट साइड में जीरो लिखकर दो अंक को पूरा करेंगे। अब ठीक उसे तो इसको छह का स्क्वायर छत्तीस के, तो रिजल्ट में हमेशा दो अंक लिखेंगे। और कम है तो एक सौ से कितना कम है, जितना कम रहेगा उतना कम कर देना है। ये चार है, ये छह है, घटेगा नहीं घटेगा, जिससे हम पैसा लेंगे। चौदह चौदह में छह गया तो आठ, ये आठ यानी अठासी छत्तीस। चौरानवे का स्क्वायर कितना हो जाएगा जी, अठासी छत्तीस। जैसे ये एक सौ से कितना कम है, पांच कम है, पांच का स्क्वायर कितना होता है, पच्चीस। अब पांच पांच में पांच में पांच गया तो जीरो, नौ को नौ, इसको घटा लेना है। जैसे अठासी एक सौ से कितना कम है, बारह कम है, बारह का स्क्वायर कितना होता है, एक सौ चौवालीस। लेकिन रिजल्ट में बोले हमेशा दो अंक लिखने के लिए, तो एक सौ चौवालीस यहाँ तीन अंक ज्यादा ना हो, तीन अंक हो गया तो रिजल्ट में हमेशा दो ही अंक लिखना है। तो कितना शेष बच गया है, एक शेष बच गया। तो अब ये कम है तो कम करना है, आठ मस दो गया तो छ, आठ मस एक गया तो सात, ये कितना छिहत्तर, और हासिल कितना बचा हुआ था, वन छिहत्तर एक सतहत्तर, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर, यही आपका आंसर हो जाएगा। जैसे रहेगा आपका पचासी का होल स्क्वायर, आपका पचासी का कितना कम है, एक सौ से पंद्रह कम है, पंद्रह का स्क्वायर कितना होता है, दो सौ पच्चीस। लेकिन रिजल्ट में हमेशा कितना अंक लिखेंगे, कितना शेष बच गया, दो। अब कम है तो कम करेंगे, पांच मस पांच गया तो जीरो, आठ मस एक गया तो सात, और सत्तर दो कितना हो जाएगा जी, बहत्तर, सत्तर दो बहत्तर। जैसे कुछ भी रहे, कुछ भी रहे, जैसे आपका ये पचहत्तर का हो तो पचहत्तर ये कितना कम है, एक सौ से पच्चीस कम है, पच्चीस का स्क्वायर कितना होता है, छह सौ पच्चीस। लेकिन रिजल्ट में हमेशा कितना अंक लिखना है, दो ही अंक लिखना है। तो कितना शेष बच गया आपका, छह, पांच मस पांच गया तो जीरो, सात मस सात मस दो गया तो पांच, पचास सात छह कितना हो जाएगा, छपड़े आपका क्या हो जाएगा आंसर। यानी कि एक सौ से कम रहेगा तो कम करना है, अधिक रहेगा तो अधिक करना है। से कितना ज्यादा है, एक सौ से कितना ज्यादा, छब्बीस ज्यादा तो छब्बीस लिख देंगे, जितना ज्यादा रहेगा उसको हमेशा नीचे लिखेंगे। एक सौ से जितना कम या ज्यादा रहेगा उसको हमेशा नीचे लिखेंगे। तो छब्बीस का कितना स्क्वायर होता है, छब्बीस का स्क्वायर अभी लिखाए थे, छब्बीस का स्क्वायर छह सौ कितना होता है जी, छिहत्तर। लेकिन रिजल्ट में हमेशा कितना अंक लिखेंगे, दो अंक लिखेंगे, दो अंक तो कितना शेष बच गया, छह शेष बच गया। तो अब ज्यादा है तो ज्यादा करना है, छह छह बारह, दो दूनी चार, एक पांच एक, अब कितना हो जाएगा, बावन छह कितना हो जाएगा, एक सौ अंठावन, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। एक सौ से कितना ज्यादा है, अठारह, अठारह का स्क्वायर तीन सौ चौबीस। लेकिन रिजल्ट में हमेशा कितना अंक लिखेंगे, दो अंक लिखेंगे, तो तीन शेष बच गया, अठारह अठारह कितना छत्तीस, एक सौ छत्तीस, छत्तीस तीन कितना हो जाएगा, एक सौ उनचालीस, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। एक सौ कितना ज्यादा है, पांच ज्यादा है, पांच का स्क्वायर कितना होता है जी, पच्चीस। रिजल्ट में हमेशा दो ही अंक लिखेंगे, पांच पांच कितना दस, एक एक सौ पांच और पांच जोड़ेंगे तो एक सौ दस, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। कितना ज्यादा है जी, बारह ज्यादा है, बारह का स्क्वायर कितना होता है, एक सौ चौवालीस। रिजल्ट में हमेशा दो अंक लिखेंगे, एक से बचा हुआ तो बारह बारह चौबीस, एक सौ चौबीस एक पच्चीस, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। तो
दो अंकों की किसी भी संख्या का वर्ग करना हो तो दो अंकों की किसी भी संख्या को वर्ग करना हो तो दो अंकों की संख्या कहां से कहां तक होता है जी? 10 से लेकर कहां तक? 99 तक। अब इसके बीच में किसी भी संख्या को, दुनिया का कोई भी संख्या का वर्ग करने के लिए कहेगा तो हम आसानी से कर सकते हैं। जैसे ए बी टू डिजिट हुआ तो ए बी का होल स्क्वायर करने के लिए कह रहा तो इसको लिखेंगे ए स्क्वायर इंटू टू ए बी इंटू क्या हो जाएगा आपका बी स्क्वायर। तो इधर से चला इसलिए इसको हम क्या करेंगे एरो का चिन्ह इधर से देंगे। जैसे देखिए ये आया कैसे इसके बारे में इसको प्रूफ करते हैं। तो ए बी का पावर क्या है जी? 2 है। ए बी का होल स्क्वायर तो ए गुने बी और फिर इसको ए गुने बी, इसको दो बार तो लिख ही सकते हैं, पावर 2 है तो दो बार लिख सकते हैं। अब इसको देखिए मल्टीप्लाई करना है तो बी बी से गुना करेंगे तो बी स्क्वायर हो जाएगा और इसको ए बी और इसको ए बी यानी कि उसको ना से इसको ना से इसके बाद बीच में क्या हो जाता है जी? बंधन हो जाता है। यानी कि बीच में बंधन का मतलब क्या होता है? एड हो जाता है। तो हम इसको एड करेंगे तो इसको तिरछा मल्टीप्लाई करेंगे इसको ए बी और प्लस क्या हो जाएगा आपका प्लस ए बी यानी कि तिरछा गुणनफल करेंगे तो ए बी और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ए स्क्वायर। तो यानी कि इसका रिजल्ट आएगा आपका क्या हो जाएगा जी? ए स्क्वायर ए बी और ए बी क्या हो जाएगा? ए के बी क्या हो जाएगा आपका? 2 ए बी इंटू क्या हो जाएगा? बी स्क्वायर। यही आपका क्या हो जाएगा? ये आया कैसे इसके बारे में देखिए हम प्रूफ कर दिए हैं। देखिए ये 50 से कम यानी कि 50 से भी कम है और दो अंकों की संख्या और दो अंकों की संख्या यानी कि ये ए हो गया ये क्या हो गया जी? बी हो गया। तो हम अब ये लिखा है अब ये बताए थे यानी कि ए और बी का होल स्क्वायर बराबर फार्मूला क्या बताए थे? ए स्क्वायर इंटू इंटू टू ए बी और इंटू बी स्क्वायर यानी कि सबसे पहले बी का होल स्क्वायर करेंगे तो 8 का होल स्क्वायर करेंगे तो 8 का स्क्वायर कितना होता है? 64। लेकिन रिजल्ट हमेशा यानी कि शेष कितना बच गया? 64 का 4 हासिल कितना बच गया जी? 6। अब इसको गुना करेंगे ए बी का यानी कि 2 ए बी तो डायरेक्ट इसको ए बी को गुना करेंगे 8 चौके 32 और 32 दूनी 32 दूनी 64 64 का 6 कितना हो जाएगा? 70। 64 का 6 70 का 0 हासिल कितना हो जाएगा जी? 7। अब इसको ए स्क्वायर यानी कि 4 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 और 16 16 4 कितना 7 बाकी था जी? 16 7 6 13 27 यानी कि 48 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 27 0 और उसी तरह से 62 62 कितना ज्यादा है तो 50 से कितना? ये दो अंकों की ज्यादा दो अंकों की संख्या है तो दो अंकों की संख्या इसको ए और बी ए और बी तो ए तो दो का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 2 दूनी 4 यानी कि बी का स्क्वायर करेंगे पहले बी का स्क्वायर करेंगे जी 2 दूनी 4 अब इसको करेंगे 6 दूनी 12 6 दूनी 12 12 दूनी 24 का 4 यहां से कितना हो जाएगा? 2 और फिर 6 का स्क्वायर करेंगे 6 6 का 36 और 2 38 ये आपका क्या हो जाएगा? अब जैसे देखिए 58 का होल स्क्वायर 58 का होल स्क्वायर तो ये 8 8 64 का 4 हासिल कितना बच गया? 6। अब 8 5 40 40 दूनी 80 80 80 6 86 का 6 हासिल कितना हो जाएगा? 8 5 25 और 25 5 30 और 30 3 33 यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। अब 55 का स्क्वायर तो 5 का स्क्वायर करेंगे 25 हासिल कितना बच गया? 2 5 25 25 दूनी 50 और 50 2 52 तो 2 हासिल 5 और 5 का स्क्वायर 25 और 5 30 यही आपका क्या हो जाएगा। अगर अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अभी तक मेरा पार्ट 1 यानी कि मल्टीप्लाई का पार्ट 1 पार्ट 2 और पार्ट 3 नहीं देखे हैं तो प्लीज आप जाके मेरे चैनल पे जाएं, चैनल का नाम है सेशा कुमार, वहां पे जाएं सर्च करें और वहां पे सर्च करके और मेरा मल्टीप्लाई का पार्ट 1 पार्ट 2 देखें पार्ट 3 देखें और मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और अपने ग्रुप में शेयर भी करें। जय हिंद जय भारत।